बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता टाइगर श्रॉफ आने वाले दिनों में कई फिल्मों के साथ धमाका करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है। उनकी अगली फिल्म का नाम है गणपत, जिसकी तैयारियों में टाइगर श्रॉफ काफी समय से जुटे हुए थे, लेकिन इसकी जानकारी अभी हाल फिलहाल में ही आई है। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी में अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक बॉक्सर का दमदार किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब टाइगर श्रॉफ सिल्वर स्क्रीन पर बॉक्सर के कैरेक्टर में नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में एक और दिलचस्प बात है कि इस फिल्म को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। फिल्म का निर्देशन विकास बहल करने जा रहे हैं, जो इससे पहले क्वीन, शानदार और सुपर 30 जैसी कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। विकास बहल अपनी इस फिल्म को आखिरी रूप देने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे ही फिल्म की कहानी पूरी हो जाएगी, वो इसका काम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि फिल्म गणपत की कहानी के लिए विकास बहल को इस रोल के लिए सबसे फिट अभिनेता टाइगर श्रॉफ ही नजर आए और उन्होंने टाइगर को ही ध्यान में रखते हुए इसकी कहानी लिखी। ऐसे में जब वो इसकी स्क्रिप्ट को लेकर टाइगर श्रॉफ के पास गए तो उन्होंने इसकी कहानी को सुनते ही हाँ कर दिया। और इतना ही नहीं, टाइगर ने इस फिल्म के लिए अपनी फिजिक पर काम करना भी काफी पहले ही शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल ऐसी बॉडी बनाने में जुट गए हैं जो एक बॉक्सर जैसी दिखाई दे। इसके लिए वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म का नाम गणपत इसलिए रखा गया है क्योंकि टाइगर श्रॉफ इसमें गणपति के भक्त होते हैं। इसकी कहानी भी मुंबई के ही इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। मुंबई में गणपति का त्योहार कितने जोर शोर से मनाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के पिता का रोल भी बहुत दमदार होने वाला है। लेकिन अभी टाइगर के पिता का रोल कौन निभाएंगे, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस फिल्म की कहानी टाइगर के मुंबई की गलियों से लेकर इंटरनेशनल लेवल के एक बॉक्सर बनने के सफर को दिखाएगी। टाइगर श्रॉफ आज के दौर के जाने माने एक्शन हीरो माने जाते हैं। 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले टाइगर ने बागी सीरीज, मुन्ना माइकल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक्शन अवतार दिखाकर लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। और गणपत फिल्म में टाइगर श्रॉफ के एक्शन और डांस स्किल्स को फिर से बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा, जो टाइगर के फैंस के लिए काफी खास रहेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 और रैम्बो भी रिलीज होने वाली है। हीरोपंती 2 जहां 16 जुलाई 2021 को रिलीज हो सकती है, तो वहीं रैम्बो की रिलीज को लेकर अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है। टाइगर 80 और 90 के दशक के जाने माने अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। जैकी ने हीरो फिल्म से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था, तो टाइगर ने हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। वहीं बात करें विकास बहल की, तो उन्होंने लुटेरा, क्वीन, शानदार और सुपर 30 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। विकास ने अनुराग कश्यप के साथ मिलकर फैंटम फिल्म्स का निर्माण किया था, पर बाद में किन्हीं कारणों की वजह से दोनों में मतभेद हुए और ये कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन अब विकास टाइगर के साथ गणपत फिल्म को बहुत ही भव्य तरीके से बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के पहले होली पर 2020 में टाइगर की फिल्म बागी 3 रिलीज हुई थी। फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कोरोना की वजह से थिएटर्स खाली रह गए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो टाइगर की फिल्म अक्सर किया करती है। ऐसे में विकास चाहते हैं कि टाइगर की ये फिल्म गणपत बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और वो इसके लिए बहुत ही सोच समझ कर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि ये फिल्म आखिर कब रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है। क्या आप भी टाइगर श्रॉफ के इस दमदार अवतार को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।